एक दिन पहले क्या करें, तो क्या आप यही सोच रहे हैं तो कि बोर्ड एग्जाम को और बेहतर कैसे बनाया जाए? तो आपके लिए आपका बड़ा भाई रौनक आपके लिए लाया है बेहतरीन टिप्स, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तरीके से बात करने वाले हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ चीजों के बारे में, ठीक है? तो इस चीज ये मेरी एक एक बात को आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कैसे क्या करना है, ठीक है? और इसको इन चीजों को आपको समझ के बहुत अच्छे ढंग से इसको करना है, ठीक है? और आपको एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चनों को अटेंड जरूर करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक? ओके, और जितना भी होगा एग्जाम से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी, तो इसलिए आप चैनल को फटाफट क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और एग्जाम से संबंधित सभी वीडियो आपको इस पे मिलती रहेगी। क्लास 10th और 12th की तैयारी इस पे बेहतरीन ढंग से करवाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा टिप्स है कि रिवीजन अब आपको नहीं करना है। आप कॉपी पलटते जाएंगे, सिर्फ आपको नींद लगेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो रिवीजन ना करिए, मेन क्या करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन्हें पे फोकस करिए, और आपको अदर चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो समय आपका बीत जाएगा, ठीक है? तो एक दिन बचा हुआ है, इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये चीज आप क्या करेंगे कि सारा आप क्या करिए, दूसरे नंबर पे मॉडल पेपर, दूसरा नंबर है कि मॉडल पेपर आप अच्छे से क्या करिए, इसको लगाइए। प्रैक्टिस करने का बेस ये है कि मॉडल पेपर आप अच्छे से उसका एनालिसिस करिए, मॉडल पेपर को लगाइए। इससे क्या रहेगा कि इससे ये चीज रहेगा कि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, जिसे आप मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेंगे तो आपका एग्जाम भी बेहतर होगा। जब आप मॉडल पेपर लगाएंगे तो मॉडल पेपर से आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? तो मॉडल पेपर को आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपको चीजों का पता चल जाए। जो चीज नहीं आ रही है मॉडल पेपर, मैंने भी क्लास 10th का और 12th का करवा दिया है, आप जाके इस चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो कई मॉडल पेपर मैंने करवाए हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अगला, कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है मेरे दोस्तों। कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तभी तो आप काम कर पाएंगे। जब कॉन्फिडेंस उस चीज में रहेगा ही नहीं तो उस चीज को आप अच्छे से और अच्छे से कैसे कर पाएंगे? तो कॉन्फिडेंस का रहना बहुत जरूरी है। 100% कॉन्फिडेंस रखिए, जिससे आपका क्या रहे, जिससे आप चीजों को अच्छे से कर पाए, ठीक है? आपके 8-10 नंबर और भी आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बस, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस रहेगा, चीजों को अच्छे से लिखोगे तो नंबर आपको मिलेगा। एग्जामिनर अच्छे बच्चों को ही ढूंढता है, अच्छे बच्चों को ही नंबर देता है, इसलिए आपको साफ सुथरा लिखना है सब कुछ अच्छे से, ठीक है? आगे चलिए देख लेते हैं। अच्छी नींद जरूर लेना है आपको मेरे भाई, अच्छी नींद जरूर लेना है, अच्छे से आप सो के जाइए। जब चीजों को हम लर्न करते हैं तो वो एग्जाम में जाके क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम अच्छे से नींद नहीं लिए रहते हैं, अच्छे से सोए नहीं रहते हैं। जब अच्छे से सोएंगे तो हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा, माइंड हमारा फ्रेश रहेगा, तब हम अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से हमारा दिमाग चल पाएगा, तो चीजों को याद करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, समझ पा रहे हैं? तो आपको इतना अच्छे से कर लेना है, ठीक है? अच्छी नींद लेना है जरूर, अच्छे से सो के जाना है, रात भर जगना नहीं है, आराम से चीजों को पहले से ही पढ़ लेना है, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से मॉडल पेपर क्या करिए, अभी से बढ़िया से सॉल्व करिए। अब आगे देख लेते हैं क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये वाले भाई बहुत दूर रहे इन चीजों से, अभी इन चीजों से आप दूर रहिए। ज्यादा इस पे आपको क्या करना है, ज्यादा इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? इन चीजों का अगर ज्यादा आप प्रयोग करेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, फेसबुक स्क्रॉल करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड उसी पे लगा रहेगा, और आप स्क्रॉल करते जाएंगे, समय इतनी तेज बीत जाएगा कि एक दिन का पता नहीं चलेगा, समझ पा रहे हैं? तो आपको अच्छे से समय का इस्तेमाल करना सीखिए, समय का प्रयोग करना सीखिए, और जल्दबाजी में भी कोई काम ना करिए, क्योंकि अगर आप आराम से चीजों को करेंगे तो इसमें ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, कंप्लीट पेपर जरूर करें। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है कि कंप्लीट पेपर जरूर करें, क्योंकि कंप्लीट पेपर करने से ये रहेगा कि आपको जो जहां जो चीज नहीं आ रही है वहां भी आप करने का प्रयास करिए और करके आइए, समझ में आ रहा है? अगर आप कंप्लीट पेपर करके आते हैं तो एग्जामिनर भी अपने उसके हिसाब से नंबर देता है। जब आप करे ही नहीं रहेंगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा? तो आपको प्रत्येक पेपर में क्वेश्चनों को करना जरूर है और अच्छे से चीजों को करना है, जिससे एग्जामिनर को भी नंबर देने में आसानी रहे कि हाँ ये बच्चा करा हुआ है, इसको नंबर यहाँ पे इस जगह पे ये नंबर देना चाहिए, ठीक है? तो जब आप करे रहेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है? और चीजों को अच्छे से करिए,
और आपका एग्जाम है कल, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।